खंडवा में जिला प्रशासन द्वारा मेरी भी जिम्मेदारी कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में व्याप्त अव्यवस्थाओं तथा असुविधाओं का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों की निरीक्षण के लिए ड्यूटी लगाई गई। वही आकस्मिक निरीक्षण किए जाने से आंगनवाड़ियों को सही स्थिति सामने आई। वहीं कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंदरियाल ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बताया कि एक साथ जिले की सभी 1682 आंगनवाड़ियों का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षणकर्ता अधिकारी कर्मचारियों को अचानक ही निरीक्षण हेतु ड्यूटी आदेश भेजे गए ताकि आंगनवाड़ियों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। वही निरीक्षण के बाद पाया गया कि कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार अनुपस्थित थी। ऐसी कार्यकर्ता को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई। एक ही दिन के निरीक्षण के बाद बिना किसी सूचना के अनुपस्थित 3 कार्यकर्ता व 3 सहायकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई। वही निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका अक्षम पाई गई। वहीं आपको बता दें कि ऐसी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया जाएगा। यह प्रशिक्षण फरवरी माह में आयोजित किए जाएंगे। न्यूज़ इंडिया N9 खंडवा से फरीद मंसूरी की रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट हम लोग चाहे टेनिस कोर्ट्स हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, जिम इक्विपमेंट हो, इंडोर जिम हो, आउटडोर जिम हो, वो सारे इक्विपमेंट्स का हम लोगों ने ताइक्वांडो का इक्विपमेंट का 10 लाख का हमने सीएसआर से लिया। शेष हमको गवर्नमेंट ऑफ MP स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की वजह से मिला। इतना इन्वेस्टमेंट हमने पुल इन किया है ताकि यहाँ पे लोगों को स्वस्थ रहने में फायदा मिले। तो ये हमारा टोटल स्कोप था आज के कार्यक्रम का, जिसमें हम लोगों ने सोशल सेक्टर में हमने एजुकेशन में और हेल्थ में क्या क्या काम किया है वो हमने डिलिनिएट किया। जैसे अगर आज सुबह करना है तो कल शाम को हम जिले के ग्रुप पे सभी अधिकारियों को सूचित कर देते हैं कि आपको फलां गांव में फला आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों का निरीक्षण करना है। प्रारूप उनके पास दे देते हैं, ये प्रारूप है आपका, और शाम तक हमारे पास रिपोर्ट चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, चाहे हार्ड कॉपी में जमा हो जाती है। तो उसके बेसिस पे हम अपना कमियां निकालते हैं और उन कमियों पे वर्क करके एक्शन टेकिंग रिपोर्ट बनाते हैं। ये कितनी आंगनवाड़ी महिलाओं या कार्यकर्ता उन पर कार्रवाई हुई है? पिछले चरण में हमारे 3 कार्यकर्ता जो अनुपस्थित थे उनको पृथक किया गया है। कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे कि मेन्यू अनुसार भोजन नहीं मिल रहा था, वहाँ पे हमने कुछ शोकॉज दिया है, और अगर दोबारा के इंफेक्शन में पाया जाता है कि वहाँ सुधार नहीं हुआ है तो हम उस पर उनपे अब जो है उनको पृथक करने की कार्रवाई करेंगे।